हे वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आज का जो आईपीएल मैच खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएंगे, प्लेयर बैटल मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ प्लेयर का ग्राउंड पर परफॉर्मेंस कैसा है, टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कैसा है और बैट्समैन वर्सेज बॉलर मैचअप जो कि आपके लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो फाइनल टीम जो रहती है वो रही थी टेलीग्राम चैनल पर। फाइनल लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और अपने फंटासी खेलने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बाकी अगर यहाँ पर दोनों टीम में कंपैरिजन करें तो कोलकाता आज का मैच अपने होम में खेलेंगी और थोड़ी सी स्ट्रांग टीम जो लग रही है मुझे यहाँ पर एज कम्पेयर टू यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता है। वैसे दोनों टीम अनएक्सपेक्टेड है, कोलकाता का टॉप ऑर्डर अभी भी इतना खास चल नहीं पाया है। सेम सीनरियो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी है। सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट मैच विन कर आए लास्ट मैच कोलकाता, लेकिन कोलकाता पॉइंट टेबल पर काफी अच्छी पोजीशन पर है एज कम्पेयर टू यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद। आज का मैच भी कोलकाता अपने होम में खेलने वाले तो थोड़े से फेवरेबल रहेंगे। सीधा सीधा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो आज का जो मैच खेला जाने वाला है वो खेला जाने वाला है ईडन गार्डन कोलकाता में। पिच कैसी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेंगी जो कि आपको अभी देखने को ही मिलेंगी और थोड़ा सा यहाँ पर स्पिनर को हेल्प करती है। और वैसे आप यहाँ पर टोटल मैचेस देखेंगे तो 11 मैचेस खेले गए रिसेंटली, जो 11 मैचेस है बैटिंग जो टीम फर्स्ट करती है उन्होंने भी अच्छे खासे मैचेस विन किए और बैटिंग सेकंड टीम ने भी अच्छे खासे मैच यहाँ पर विन किए। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं, चाहे टॉस जीते बैटिंग फर्स्ट करे या फिर सेकंड करे, बस यहाँ पर स्कोर अच्छा बनाए और अच्छे यहाँ पर रन यहाँ पर लेकर चले जाए। एवरेज स्कोर है वो है 156 का, लेकिन अभी एवरेज स्कोर जो रिसेंटली चार मैचेस में 170 प्लस का एवरेज स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा भी। जैसे कि यहाँ पर लास्ट मैच खेला गया था 6 अप्रैल को ही कोलकाता वर्सेस आरसीबी के बीच में, जहाँ पर कोलकाता ने 200 प्लस स्कोर बनाया था, आरसीबी उसे चेज कर नहीं पाई थी। आरसीबी पता नहीं है इस टीम के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है और वही लास्ट मैच में भी देखने को मिला था। तो जो रिसेंटली मैचेस के रिकॉर्ड है वो यहाँ पर वर्क करते हैं इस मैच से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आरसीबी के रिसेंटली मैचेस के भी रिकॉर्ड अगर आप यहाँ पर उठा लेंगे तो आरसीबी को बहुत परेशान किया है और खास कर परेशान किया है वरुण चक्रवर्ती ने। और इस मैच में भी वरुण चक्रवर्ती ने अच्छे विकेट ले थे। फर्स्ट इनिंग जो रही थी यहाँ पर चार पेसर को मिले थे, तीन ही विकेट मिल पाए थे स्पिनर को, लेकिन जब सेकंड इनिंग आई थी जब कोलकाता बॉलिंग कर रही थी तो 9 विकेट यहाँ पर इनके स्पिनर ने लिए थे और आरसीबी को पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिया था। कोलकाता इस ग्राउंड पर, कोलकाता के जो स्पिनर है इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो लास्ट मैच में देखने को मिला था। इससे पहले जो इंटरनेशनल मैच खेला गया था सेम ग्राउंड पर, वहाँ पर भी 200 प्लस स्कोर बनाए थे, बाकी उसको चेस नहीं कर पाए थे, लेकिन क्लोज नियरली यहाँ पर क्लोज यहाँ पर पहुँच पाई थी। ओवरऑल अगर यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली दोनों मैचेज जो बैटिंग फर्स्ट करती टीम उसने यहाँ पर विन किए, हो सकता है आज के मैचेस में भी ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग करते हुए पिच काफ़ी अच्छी रहती है। फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट पेसर को मिले थे, 2 विकेट स्पिनर को मिले थे, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट मिले थे पेसर को और एक ही विकेट मिल पाया था स्पिनर को जो कि यहाँ पर आरसीबी के स्पिनर थे, बाकी लखनऊ के स्पिनर ने अच्छे विकेट यहाँ पर लिए थे फर्स्ट इनिंग में। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे 150 के नीचे स्कोर 26 बार बना हुए, 150 to 170 के बीच में 18 बार बना है, 170 to 189, तो यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर बनते ये आपको देखने को मिलेगा। 24 टाइम यहाँ पर 170 प्लस स्कोर बनाए, यह अच्छा ग्राउंड है और स्पेशली यहाँ पर बैटिंग के लिए, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेंगी। जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। केकेआर की जो स्ट्रेंथ है वो है यहाँ पर स्पिनर। हो सकता है आरसीबी आज के मैचेस में आपको थोड़ा सा बीच में के ओवर में स्ट्रगल करते देखने को मिल सकती है। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे रिसेंटली जो चार मैचेस खेले गए इन दोनों टीम के बीच में, कोलकाता थोड़ी सी यहाँ पर फेवरेबल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली 4 में से 3 मैच कोलकाता जीते और 1 मैच ही यहाँ पर आरसीबी विन कर पाई है। बात कर लेते हैं हमारे जो आज का मैचेस का जो गिववे जो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपको बस कुछ करना है, वीडियो एंड तक देखना है और आपको एक सवाल पूछा गया है इसका जवाब देना है कि राहुल त्रिपाठी जो है तो कितने ड्रीम इलेवन पॉइंट देंगे, कितने ड्रीम इलेवन पॉइंट देंगे, बस यही बताना है। विकेट कितने लेंगे, कैच कितने लेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैं पूछता नहीं हूँ। अगर गिववे देना है तो यहाँ पर सिंपली दीजिए, बस आपको यहाँ पर सवाल है कि ड्रीम इलेवन पॉइंट कितने देंगे ये प्रेडिक्ट करना है। जाओ जाकर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर यहाँ पर आपका आंसर सही हुआ तो हर एक आंसर को यहाँ पर 2000 यहाँ पर देने वाले, ऐसे यहाँ पर कितने 10 यहाँ पर जो फर्स्ट जो यहाँ पर जिसके सवाल यहाँ पर सही होंगे जो फर्स्ट 10 मेंबर होंगे उनको यहाँ पर ये 2000 पर
मेंबर गिव अवे मिलने वाला है। और आपको जब यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर कमेंट करना है, हैशटैग कोलकाता वर्सेस कोलकाता स्लैश सनराइजर्स हैदराबाद, और उसके नीचे उसके आगे आपको प्लेयर का नाम डालना, सॉरी प्लेयर का नाम है यहाँ पर, प्लेयर के ड्रीमलोम पॉइंट कितने वो डालना है, यानी यहाँ पर केएल राहुल कितने ड्रीमलोम पॉइंट है, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11। सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता का टॉप ऑर्डर अभी भी यहाँ पर इतना खास कुछ कर पाया नहीं है। लास्ट मैचेस के जो यहाँ पर प्रोबेबल 11 थी वही थी, बाकी यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती आए थे एज ए यहाँ पर सब्सिट्यूट प्लेयर यानी इम्पैक्ट प्लेयर। और आज के मैचेस में भी अगर कोलकाता बैटिंग फर्स्ट करती है तो वरुण चक्रवर्ती फिर से आपको यहाँ पर एज ए सब्सिट्यूट प्लेयर खेलते देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सभी 11 प्लेयर है उसमें से यहाँ पर आप देखना जो टॉप इनके पांच बैट्समैन है, पांच बैट्समैन में आपको तो तीन लेफ्ट हैंडर भी देखने को मिलेंगे, तो ये यहाँ पर अच्छा रहेगा। एडम मार्करम भी हो सकते हैं, एक दो ओवर आज के मैचेस में डालेंगे, और उसी के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर, उनके चार ओवर मुझे आज के मैचेस में कंप्लीट लग रहे हैं। नीतीश राणा, रिंकू सिंह, उसी के साथ साथ वेंकटेश आयर के सामने हो सकता है आपको यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर चार ओवर आज के मैचेस में डालता देखने को मिले। एंड्रे रसल ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग सीन से उम्मीद कम ही करना, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा है ऑलरेडी, आप एक बैट्समैन और एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलवा सकते हो, तो रेगुलर बॉलर से बेटर है जो यहाँ पर जो रेगुलर बॉलर है उनसे यहाँ पर बॉलिंग करो दे लेंगे, ना ही यहाँ पर पार्ट टाइमर। एंड्रे रसल बॉलिंग अच्छी करते हैं खास करके डेथ बॉलिंग में, बाकी यहाँ पर एज यहाँ पर बॉलर इनको यहाँ पर अभी तक यूज़ नहीं किया आज के मैचेस में भी उम्मीद के में, हालांकि इनके इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छे, इस टीम के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे, वो आगे आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। शार्दुल ठाकुर मिडल ऑर्डर में आएंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, सुनील नारायण का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं, आगे यहाँ पर मैं बताऊँगा। सीधा सीधा हम यहाँ पर बात ही कर लेते हैं, चलिए कोलकाता का जो प्लेयर परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पर दीजिए देख लीजिए। गुरबाज विकेट कीपरिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर एज ए ओपन करेंगे, अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, इस टीम के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं लेकिन इस ग्राउंड पर ठीक ठाक किया है। नारायण जगदीशन ये आपके लिए थोड़े से डिफरेंशियल भी करेंगे, चाहे ग्रैंड लीग ट्राई करो या फिर स्मॉल लीग ट्राई करो। रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास है यहाँ पर रहा नहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले थे, एक मैच ही इनका अच्छा गया था, बाकी मैचेस फ्लॉप, लास्ट मैचेस में भी 6 ही रन बना पाए। इस टीम के अगेंस्ट अभी भी यहाँ पर खेले नहीं लेकिन इस प्लेयर का इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, रिसेंटली 4 में से 3 मैचेस में 50+ स्कोर बनाए, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ये ग्राउंड इनको पसंद है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रन बनाकर आए और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे, तो मुझे लगता है एज ए ओपन करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, जरूर आपको ट्राई कर लेना। शुरुआत के एक दो ओवर अगर यहाँ पर ये निकाल ले तो उसके बाद एक अच्छा टेक्निकल बैट्समैन है, इनके बारे में बहुत सुना है और हो सकता है आज के मैचेस में रन पे आएंगे, ग्रैंड लीग ट्राई करो इनको जरूर ट्राई कर लेना। नीतीश राणा रिसेंटली मैचेस देख सकते हो, मैच देखते हो इस टीम के अगेंस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, इस ग्राउंड पर भी रिसेंटली 4 में से 1 मैच ऐसा रहा था जहाँ पर 50 स्कोर लेकिन उसके बाद यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं। थोड़े से नीतीश राणा का जैसा फॉर्म है मुझे लगता है एक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, इनके जो बैट्समैन वर्सेस बॉलर मैचअप है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि नीतीश राणा को लेना या फिर नहीं लेना। ओवरऑल इनके जो इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, लास्ट मैचेस में अच्छा स्कोर बनाकर आ रहे और इस वेन्यू पर ठीक ठाक किया है, एक मैच में परफॉर्मेंस आए, बाकी मैचेस में भी आपको 20-20 पॉइंट यहाँ पर देकर चले जा रहे, ट्राई कर सकते हो। बाकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वेंकटेश आयर एज ए यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, अगर यहाँ पर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है, अगर यहाँ पर ये टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो वेंकटेश आयर स्टार्टिंग के 11 में रहेंगे। इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं, 7, 6, 8 मे बी 8 आज के मैचेस में 9 रन आ सकते हैं, बाकी सीरीज ही बना देंगे ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर 9 रन का आंकड़ा मिसिंग है, अगर वो बना गए तो यहाँ पर सीरीज ही बना देंगे। इस ग्राउंड पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनके यहाँ पर आए, ओवरऑल अगर यहाँ पर देखेंगे 3 रन बनाए थे उससे पहले मैचेस में, 35+2 विकेट, बाकी बॉलिंग से उम्मीद ही यहाँ पर इनकी तरफ से छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर आया है, 33 बनाए उसके बाद 24 नॉट आउट गए, इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस आया तो थोड़ा सा यहाँ पर जो इनके फेवरेबल में जाता है वो ये ग्राउंड जाता है, और लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे जरूर ट्राई कर सकते हो। रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ज़्यादा रिकमेंडेड करूंगा नहीं स्मॉल लीग में, ट्राई कर सकते हो आप ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग में ट्राई कर रहे हो तो आपको करना क्या है, कोलकाता का जो टॉप ऑर्डर है उसमें से एक दो प्लेयर को ड्रॉप कर चले जाना, अगर यहाँ पर कोलकाता का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो फिर रिंकू के चांसेस बनेंगे बैटिंग के ज़्यादा, बाकी यहाँ पर रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस देख सकते हो, लेकिन लोअर ऑर्डर बैट्समैन है मैं ज़्यादा रिकमेंडेड वैसे भी करूंगा नहीं। और लेफ्ट हैंडर काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है रिंकू सिंह से पहले यहाँ पर एंड्रे रसल भी खेलने आए, अगर यहाँ पर ओवर कम रहे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। एंड्रे रसल का रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, इस टीम के अगेंस्ट गजब का परफॉर्मेंस है, गजब का परफॉर्मेंस है इस ग्राउंड पर भी, हालांकि इस टीम के अगेंस्ट और इस ग्राउंड पर जब जब यहाँ पर खेले उन्होंने बॉलिंग भी किए, बाकी अभी बॉलिंग नहीं मिल रही, एज अ बैट्समैन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे एज अ बैट्समैन रिसेंटली 3 मैच में इतना कुछ खास किया नहीं, एक मैच छोड़कर, बाकी आप चाहो तो इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो।
फिलहाल आपको बाद में मिल जाएंगे शार्दुल। शार्दुल का परफॉर्मेंस रिसेंटली मैचेस में एक मैच में ठीक किया है, दो मैच फ्लॉप गए, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इस ग्राउंड पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यही रीज़न है कि मैं इनको अपने टीम में पिक करने वाला हूँ। शार्दुल ठाकुर मेरे लिए एक डिफॉल्ट पिक रहने वाले हैं। सुनील नारायण का परफॉर्मेंस रिसेंटली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इस ग्राउंड पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट रिसेंटली 4 मैच में एक ही विकेट ले पाई। रिस्क लेना पसंद करते हो, सुनील नारायण को ड्रॉप कर चले जाओ। बाकी यहाँ पर ये टीम अगर बॉलिंग फोर्स करती है, सुनील नारायण इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, विकेट टेकर ऑप्शन है, और इंपॉर्टेंट ओवर डालते हैं, यानी आपको 17वें 18वें ओवर में भी देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के पावर प्ले खत्म होने के बाद 6ठे ओवर में भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ओवर डालते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर शायद मैं इनको अपनी टीम में रख लूँगा अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये टीम बॉलिंग सेकेंड करती है तो ड्रॉप करने का मैं रिस्क ले सकता हूँ। हेनरिक क्लासेन है, एडम मरकराम है, राहुल त्रिपाठी है, काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं स्पिन को। मुझे लगता है सुनील नारायण के आज के मैचेस के एक से ज़्यादा विकेट मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। एक विकेट हो सकता है मिलेंगी, लेकिन एक से ज़्यादा विकेट आज के मैचेस में एटलीस्ट मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। तो जो लोग यहाँ पर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए सोच रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा हेड टू हेड मैचेस देख लेना, वहाँ पर परफॉर्मेंस इनका आया नहीं है, तो इस बेसिस पर आप इनको बना नहीं सकते हो। लॉकी फर्गूसन पता नहीं क्यों लिया, अगर साउदी कोई इंजरी है तो शायद इनके वजह से ले आऊँगा, अगर खेलते भी है तो कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आया नहीं। इस ग्राउंड पर रिसेंटली 4 मैच में 2 ही विकेट ले पाए, और इस टीम के अगेंस्ट भी रिसेंटली 4 मैच में 3 ही विकेट, जो कि एक ही मैच में मिला था, बाकी मैचेस में फ्लॉप गए। अगर यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस में फ्लॉप जा रहे तो मैं तो इनको बिल्कुल भी पिक करने वाला नहीं हूँ, चाहे यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करे या फिर सेकंड करे, चाहे डेथ में आए या फिर स्टार्टिंग में आए, ये मेरी टीम में डिफॉल्ट यहाँ पर पिक रहने वाली नहीं है, ड्रॉप कर कर चले जाने वाला हूँ। सुरेश शर्मा ट्राई कर सकते हो, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे उससे पहला मैच, 3 विकेट लेकर गए थे लास्ट मैच, एज पर इनको यहाँ पर चांस मिला था प्रोबेबल 11 में, वहाँ पर परफॉर्मेंस आया। इस ग्राउंड पर 3 विकेट इन्होंने लिए, ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उमेश यादव की भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, ना ही इस टीम के अगेंस्ट, ना ही रिसेंटली, और ना ही इस वेन्यू पर, कोई पिक करने वाला नहीं, आप ड्रॉप कर कर चलाना। लेकिन ऐसे प्लेयर होते हैं जो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देते, हो सकता है आज के मैचेस में आ सकता है, तो अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियोज के लिए आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। फिलहाल स्मॉल लीग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि स्टैट्स हमारे इनको चांस ही नहीं देते यहाँ पर इनको हम ले। वरुण चक्रवर्ती देख लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती रिसेंटली मैचेस में अच्छा आया, 1 मैच में 4, 1 मैच में 1 विकेट। इस टीम के अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती के भी इतने विकेट आए नहीं, रिसेंटली 4 में से 3 ही विकेट उनको मिल पाए। इस ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसके वजह से शायद आप इनको अपने टीम में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर साउदी के लिए तो मैं वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास साउदी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है वरुण चक्रवर्ती से। हालांकि यहाँ पर मैंने साउदी के रिकॉर्ड दिए तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं किए, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट लास्ट के 2 मैचेस में 3 विकेट ऑलरेडी साउदी ले चुके हैं, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा साउदी का है, तो साउदी मेरी टीम में रहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जहाँ पर हैरी ब्रुक्स ने लास्ट मैच में ओपन किया था, आज के मैचेस में भी उम्मीद रहेगी यही ओपन करेंगे, अगर खेलने के चांसेस एटलीस्ट मुझे लगता है, ड्रॉप कर कर चले जाओ भाई, रिसेंटली 3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मयंक अग्रवाल इतना कुछ खास कर नहीं पाए, राहुल त्रिपाठी लास्ट मैचेस में खेले थे और हमारे वाइस कैप्टन थे, अगर आपको ध्यान, अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर, हमारे वाइस कैप्टन थे, वन साइडेडली हमें यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देकर चले गए थे। एडम मरकराम टीम के कैप्टन है, और आज का जो मैच है वहाँ पर मैंने बताया था टॉप के जो 5 बैट्समैन है वहाँ पर 3 लेफ्ट हैंडर है, तो आपके जो राइट राइट हैंडेड ऑफ ब्रेक है वाशिंगटन सुंदर, राइट हैंड ऑफ ब्रेक के पार्ट टाइमर वो है यहाँ पर एडम मरकराम। अगर जो पिच है वो स्पिन को असिस्ट करती है, वैसी पिच बनती है आज के मैचेस में, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल रेफर बता दूंगा, तो एडम मरकराम मेरे कैप्टन रहने वाले। वाशिंगटन सुंदर को ग्रैंड लीग में जरूर वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इस बंदे के रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो मेरे टॉप पिक रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर मयंक को शायद ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ, राहुल त्रिपाठी, एडम मरकराम, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर डिफॉल्ट पिक रहेंगे। नटराजन के जो रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छे, ये मेरी टीम में रहेंगे। उमरान मलिक भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है इस टीम के अगेंस्ट इस ग्राउंड पर, तो ये मेरे यहाँ से 5 प्लेयर रहने वाले जो मेरे टीम में रहेंगे। बाकी सीधे सीधा हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस जो आया हैरी ब्रुक्स का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, रिसेंटली 3 मैच में कुछ किया ही नहीं है, 15 से ज़्यादा रन बनाए नहीं, क्यों लेना है बाकी इस टीम के अगेंस्ट, और इस स्पिन पर अभी भी खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं, स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट रहेंगे, तो हैरी ब्रुक्स यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो आपको आज के मैचेस में भी देखने को मिलेंगे। मयंक अग्रवाल डिसेंडे टॉप ऑर्डर में आएंगे, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट और इस वेन्यू पर एक मैच में यहाँ पर इन्होंने अच्छे दिया, बाकी सारे मैचेस में इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस आया। अगर कोई प्लेयर वेन्यू पर परफॉर्मेंस नहीं देता तो मैं हाईली चांसेस कि उसको ड्रॉप कर कर चले जाता हूँ। इस वेन्यू पर एक मैच अगर छोड़ दो तो रिसेंटली बाकी के 4 मैचेस में कुछ तो किया नहीं है, अगर 4 में से 1 ही मैचेस में परफॉर्मेंस देता है तो मैं इनको ड्रॉप करने का आज के मैचेस में रिस्क ले सकता हूँ। बाकी इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे है, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। राहुल त्रिपाठी को देख लेना, लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आया इस टीम के अगेंस्ट ठीक ठाक है,
क्योंकि यहाँ पर इस ग्राउंड पर भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। एक जो स्कोर था 90 प्लस स्कोर बनाए थे, और राहुल त्रिपाठी प्लेयर ही ऐसे जब स्कोर बनाएंगे वो आपको 50 प्लस स्कोर हमेशा से बना देंगे। अगर नहीं बनाते तो 10-12 रन बनाकर यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग है। एडम वर्करम को देख लीजिए, रिसेंटली मैचेस में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इस ग्राउंड पर तो फिलहाल यहाँ पर खेले नहीं। आज के मैचेस में मुझे उम्मीद है एक आधा आधा ओवर इनको मिलेगा, तो यहाँ से शायद इनको विकेट भी मिल जाए मेरे टीम में रहेंगे, क्योंकि सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर काफ़ी ज़्यादा है। एडम वर्करम की एक आधी ओवर देख मैं यहाँ पर देख कर चल रहा हूँ। और टॉप ऑर्डर अगर यहाँ पर फ्लॉप होता है तो एडम मार्करम स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। कोलकाता के अगेंस्ट अगर कोई प्लेयर खेल कर सकता है तो वो है यहाँ पर एडम मार्करम और हेनरी क्लासेन, दोनों ओवरसीज प्लेयर है। ग्रैंड लीग भी करेंगे आपके लिए हेनरी क्लासेन भी, क्योंकि हेनरी क्लासेन स्पिन को काफ़ी अच्छा खेल लेते लास्ट मैचेस में खेले थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इनको बैटिंग का चांस नहीं मिला था इस टीम के अगेंस्ट। और इस ग्राउंड पर एक मैच खेला हुआ है जहाँ पर 18 नॉट आउट यहाँ पर गए। वाशिंगटन सुंदर रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट देखेंगे आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। इस ग्राउंड पर भी इनके आंकड़े काफ़ी अच्छे। ग्रैंड लीग खेल रहे हो जरूर ट्राई कर लेना, अगर स्मॉल लीग भी खेलते हो तो रिस्की पिक रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टन और कैप्टन इनको स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो। मार्को जैनसन लास्ट मैचेस में 2 विकेट लेकर चले गए, उससे पहले विंडीज़ के अगेंस्ट खेले थे एक ही मैच में 3 विकेट लेकर आए थे। साउथ अफ्रीका T20 खेले थे 3 मैच में 3 विकेट, हर एक मैचेस में परफॉर्मेंस है, हर एक मैचेस में एक एक विकेट इन्होंने लिया है। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी इन्हीं के पास है। इस टीम के अगेंस्ट 3 मैच में 2 विकेट ठीक ठाक इनकी तरफ से आया है। बाकी प्लेयर भुवनेश्वर को देख लेना, स्टार्टिंग में यहाँ पर आते हैं उसके बाद डेथ में तो हमें यहाँ पर ये दिखते भी नहीं है। अगेंस्ट कोलकाता और इस वेन्यू पर 2 मैचेस अगर छोड़ दे तो उससे पहले मैचेस में कुछ खास इन्होंने किया नहीं, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट हर एक मैचेस में इनको यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर विकेट मिल जाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर इनके 3 विकेट है, 3 में से 1 विकेट तो डेथ में आई है, और डेथ में यहाँ पर ये बॉलिंग करते नहीं, शायद ड्रॉप कर चले जाऊँगा। आपकी उमरान मलिक आज के मैचेस के लिए हॉट पिक रहेंगे, रिसेंटली 3 मैचेस में कंटिन्यूसली इनको विकेट मिले। इस टीम के अगेंस्ट 3 मैच में 5 विकेट लेकर गए। इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैचेस के लिए आपके लिए रहेंगे, बैटिंग सेकंड करें या फिर फर्स्ट करें मेरी टीम में रहेंगे, मयंक मारकंडे लास्ट मैचेस में 4 विकेट, हमारे वाइस कैप्टन और वन साइडेडली जितवा गए थे। इस टीम के आगे 2 मैच में 2 विकेट, लेकिन ये जो वेन्यू यहाँ पर रिसेंटली 2 मैचेस से विकेटलेस यहाँ पर आ रहे, अगर यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम होता है तो हो सकता है मयंक मारकंडे के चांसेस रहेंगे, लेकिन मयंक मारकंडे जो है तो यहाँ पर लेग स्पिन है और सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे मयंक मारकंडे से भी आज के मैचेस में उम्मीदें थोड़ी सी कम लग रही है कि उनके यहाँ पर विकेट मिले। फिलहाल इनके गुगली काफ़ी अच्छे, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नटराजन को देख लेना, लास्ट के 2 मैचेस में विकेट मिली नहीं, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट हर एक मैचेस में इन्होंने विकेट लिया है। पिछले यहाँ पर 5 मैचेस उठा लो, यहाँ पर पिछले 5 मैचेस में 8 विकेट इस बंदे ने यहाँ पर लिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैचेस के लिए रहेंगे, मेरी टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन जिस चॉइस आपको मिल जाएंगे, अब्दुल समद एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, जब जब यहाँ पर उनको चांस मिला अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आए। प्लेयर वर्सेज बैट्समैन यहाँ पर मैचअप देख लेते हैं। मयंक अग्रवाल को सुनील नारायण ने परेशान किया, मयंक अग्रवाल को परेशान किया उमेश यादव ने। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है मैंने मयंक अग्रवाल के आपको रिकॉर्ड दिखाया था, एक ही मैच छोड़ दो, बाकी 4 मैचेस में टोटली फ्लॉप थे इस ग्राउंड पर। शायद मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क आज के मैचेस में लूंगा, स्टैट्स नहीं कहते इसके वजह से यहाँ पर मैं ड्रॉप करूँ। वैसे सुनील नारायण पावर प्ले में भी आ सकते हैं, उमेश यादव तो पहले ओवर में इनको फेस करेंगे, हो सकता है यहाँ पर दोनों में से कोई एक निकल ले इनको, यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ। आपके नीतीश राणा को भी भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ा सा परेशान किया है, नटराजन ने भी इनको परेशान किया, लेकिन नटराजन के खिलाफ इनके रन भी आए जो कि डेथ में आते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। नीतीश राणा जब जब आएंगे तब तब आपको वाशिंगटन सुंदर इनके सामने देखने को मिलेंगे। ये प्लेयर बैटल है, इसमें से 1-2 बैटल आपको सक्सेस होते हुए देखने को मिलेंगे, एक तो मयंक वर्सेस उमेश यादव वो मैचअप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, और नीतीश राणा वर्सेस वाशिंगटन सुंदर वो मैचअप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक मेरी रेमो ट्रेमेलोन टीम है, मोस्टली यहाँ पर फाइनल भी रहेंगी। गुरबाज मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग में ले हुए जो कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। जगदीश चंग भी काफ़ी अच्छी पीक है, ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर रिमिलोम पर खेल रहे हो तो जगदीश चंग को ट्राई कर सकते हो। जगदीश चंग को ट्राई करना है तो नीतीश राणा की जगह पर आप अपनी टीम में जाओ तो ट्राई कर लेना, नीतीश राणा के रिकॉर्ड भी इतने अच्छे नहीं है। नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण, एडम मरकराम, शार्दुल ठाकुर और मार्को जैनसन, ये मेरे 4 ऑलराउंडर। 3 बॉलर है नटराजन, इनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी दिखा चुको रिकॉर्ड उमरान मलिक के भी, और वरुण चक्रवर्ती इतना ज़्यादा शोर नहीं, ना ही यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती पर ज़्यादा शोर हो, ना ही यहाँ पर सुनील नारायण ने इस टीम के अगेंस्ट कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं।
अब यहाँ पर इन दो प्लेयर की जगह पर अगर साउदी खेले तो मेरी टीम में सीधे सीधे वरुण चक्रवर्ती की जगह पर साउदी होंगे। अगर यहाँ पर आज के मैचेस में साउदी नहीं खेलते तो शायद यहाँ पर मैं सुनील नारायण की जगह पर मयंक अग्रवाल को लेने का रिस्क आज के मैचेस में ले सकता हूँ। थोड़ा सा रिस्क ही रहेगा, लेकिन सुनील नारायण की परफॉर्मेंस और जो आंकड़े उतने अच्छे नहीं। या फिर सुनील नारायण की जगह पर आप जगदीश को भी ले सकते हो, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। ईस्ट ये जो ग्राउंड है वहाँ पर 4 मैचेस में पिछले 3 मैचेस में 50+ स्कोर बनाकर बंदा आ रहा है। जगह आज के मैच आज का जो मैच है वहाँ पर इनके लिए जगह बनती। फाइनली यहाँ पर मैंने एक सेफेस्ट टीम बनाई जहाँ पर मयंक अग्रवाल को छोड़कर बाकी सभी प्लेयर हमने यहाँ पर सेफ प्लेयर पिक किए। लेकिन जो फाइनल टीम रहेंगी वो मेरे स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग रही थी और मैं यहाँ पर इसके साथ ही जाता हूँ। सुनील नारायण की जगह पर मेरी टीम में हो सकता है जगदीशन आ जाएंगे। टीम साउदी के लिए तो टीम साउदी मेरी टीम में वरुण चक्रवर्ती की जगह पर रहेंगे और मेरी टीम में नहीं रहेंगे फिर मयंक अग्रवाल के लिए जगह। लेकिन अगर टीम साउदी नहीं खेलते शायद शायद यहाँ पर मैं मयंक अग्रवाल को अपने टीम में ले लूँ। फिलहाल यहाँ पर डेमी ड्रुमिलम टीम मकरम से उम्मीद है एक आधा आधा ओवर इनको मिलेगा, हो सकता है विकेट भी मिले। राहुल त्रिपाठी इनसे डिसेंट और सेफ पिक मुझे कोई लगा नहीं। नीतीश राणा के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। प्लेयर बैटल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये स्ट्रगल किन के सामने कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के यहाँ पर मैंने फिलहाल पिक नहीं किया है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की भी जगह बनती है। ड्रीम इलेवन पर खेल रहे हो तो वाशिंगटन सुंदर को आप अपने टीम में पिक करवा सकते हो। वाशिंगटन सुंदर आप यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छे चॉइस आपको मिल जाएंगे। रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करने का डेफिनेटली मैं रिस्क नहीं लूँगा। ये फाइनल चेंजेस मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक सेफेस्ट टीम मैंने आपको बताई, जो फाइनल टीम आएंगी वो स्टार्स के अकॉर्डिंग ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, चाहे लॉस हो या फिर विन हो। लेकिन स्टार्स को छोड़कर हम यहाँ पर टीम बनाते नहीं, स्पेशली मैं। और आप देख लेना अगर क्लीन स्वीप करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मिनी जेल तक हमारा क्लीन स्वीप जाते हैं। फाइनली होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा यहाँ पर सपोर्ट दिखाते रहे, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना अगर आपको हेल्पफुल लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो गिव अवे क्वेश्चन है उसके कमेंट जरूर कर देना। फ्री में गिव अवे, फ्री में आपको कमेंट देने, अगर आपकी जो आंसर है वो सही आ जाता है तो 2000 आपको फ्री में मिल जाएंगे। और बाकी चैनल की तरह हम यहाँ पर फेक गिव अवे नहीं करते, अगर किसी का सवाल जो सही हुआ तो पहले भी आपको पता है छोटे छोटे गिव अवे होते हैं, लेकिन हर एक विनर होता है उसको हम यहाँ पर गिव अवे प्रोवाइड करते हैं। तो होप आप लोग जाकर कमेंट कर देंगे और वीडियो को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। गिव अवे के लिए कोई कंडीशन नहीं, लाइक और सब्सक्राइब फिलहाल आप कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे। बाकी मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।